इंडियन टीम दूसरी ओडीआई मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हार गई, इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। और मैंने ये चीज पहले ही बता दिया था कि इंडियन टीम सेकेंड ओडीआई मैच हारेगी, अगर आप लोग नहीं पता तो मैंने शॉर्ट्स में डाल दिया था, रील्स में आप लोग जाके चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने पहले ही बता दिया था इंडियन टीम सेकेंड ओडीआई मैच हारेगी। और मैच स्टार्ट होने से जस्ट आधे घंटे पहले मैंने बता दिया था, मुझे पता था कि इंडियन टीम सेकेंड मैच हारेगी। और ये जो मैच है, आज का जो मैच हुआ है सेकेंड ओडीआई मैच, वो यहाँ पे डिसाइडेड होगा थर्ड, मतलब जो तीसरा ओडीआई मैच होगा यहाँ पे जो 22 तारीख को होने वाला है, वहां जाके 22 या 21 तारीख को होने वाला है, तो उसमें जाके डिसाइड होगा और वहां पे इंडिया जीतेगी। तो सीरीज यहाँ पे इंडिया 2-1 से जीतने वाली है। तो ये है प्लान। अब यहाँ पे प्लानिंग बताओ या फिर कुछ बताओ, बट मुझे पता था इंडियन टीम यहाँ पे सेकेंड ओडीआई मैच हारेगी और बहुत बुरी तरह हारेगी। तो अब पता नहीं कैसे, बट मैंने आपको प्रिडिक्ट करके बता दिया था और वैसा ही हुआ, सेम टू सेम। यहाँ पे कोई भी प्लेयर नहीं चला, ना यहाँ पे रोहित शर्मा चले, ना शुभमन गिल चला, ना विराट कोहली, ना सूर्य कुमार यादव, ना हार्दिक पांड्या, ना केएल राहुल, ना रविंद्र जडेजा, ना अक्षर पटेल, कोई भी नहीं चला। अक्षर पटेल ने लास्ट में जाके थोड़ा अच्छा यहाँ पे इंटेंस दिखाया कि उसने यहाँ पे 2 छक्के मारे ना वहाँ पे, वो काफी बढ़िया था। और वो एक बढ़िया मोमेंट था जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वालों को लग रहा था कि हाँ इंडियन वाले भाई इतनी जल्दी गिव अप नहीं करने वाले, बट लास्ट में मोहम्मद सिराज वहाँ पे गलती से आउट हो गया। और एक बॉलर मोहम्मद सिराज भाई कितना ही खेल लेगा। तो यहाँ पे इंडियन टीम जो सेकंड ओडीआई मैच हारी है, इसमें इंडियन टीम की खुद की गलती की वजह से हारी है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला बात है, जैसे ऑस्ट्रेलिया टॉस करने आई थी यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया टीम से रोहित शर्मा और स्टीव स्मिथ आए थे, तो जो पिच का सरफेस है वो कुछ अलग तरीके से था, वो फास्ट बॉलरों के लिए पिच बनाया गया था। बट रोहित शर्मा ने गलती कर दिया कि यहाँ पे भाई वो 3-3 स्पिनर खिला दिए, यहाँ पे 3 स्पिनर की जगह यहाँ पे वो 3 अगर फास्ट बॉलर खिलाते या फिर 4 फास्ट बॉलर खिलाते तो शायद से मैच जीत सकते थे हम लोग। बट चलो, इसमें बॉलर की भी कोई गलती नहीं है। बैट्समैन की अगर बात करूँ तो कोई भी नहीं चल पाया। रोहित शर्मा यहाँ पे स्टार्टिंग में आके थोड़ा अच्छा यहाँ पे मारना स्टार्ट कर दिया, बट शुभमन गिल का लक इतना खराब है कि भाई वो जैसे लास्ट मैच में आउट हुआ था फर्स्ट ओडीआई में, वैसे ही सेकंड मैच में भी सेम तरीके से आउट हुए, इस बार फील्डर कोई और था। सेकेंड अगर बात करूं यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, पता नहीं उसको क्या हो गया है, उसको T20 मैचेस में उसको खेलने के लिए मतलब दे दो तो भाई वो रगड़ के रख देता है कोई भी ओपोनेंट टीम को, बट यहाँ पे ओडीआई मैचेस में वो नहीं चल पा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है किसी को नहीं पता, ये भी एक मिस्ट्री है। सूर्य कुमार यादव को T20 में जितना अच्छा खेलता है उस तरह इंडियन कैप्टन को सूर्य कुमार यादव को बोलना चाहते कि ओडीआई मैचेस में आप उसी तरह खेलो जैसे आप T20 में खेलते हो, क्योंकि सूर्य कुमार यादव का इंटेंट ही वही है मार के खेलना, बट उन्हें प्रेशर दिया जाता है ऊपर से कि भाई ओडीआई मैचेस है थोड़ा रोक के खेलो। सूर्य कुमार यादव आप देखिए कभी रोक के खेलने के चक्कर में वो ज्यादा आउट होते हैं, कभी स्पिन मतलब होके वो LBW आउट हो जाना, कभी यहाँ पे स्पिन बॉल पे वो कैच आउट हो जाना, तो वो ऐसा है। और सूर्य कुमार यादव इसलिए यहाँ पे दोनों मैच में सेम तरीके से आउट हुआ यहाँ पे LBW। अब यहाँ पे हार्दिक पांड्या की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या का भी यहाँ पे गेम नहीं चला। विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली ने अच्छा इंटेंट दिखाया, बट विराट कोहली भाई 50 रन मारने से पहले 32 या 34 रन पे आउट हो गया। उसके साथ साथ अगर बात करूँ तो रविंद्र जडेजा ने यहाँ पे वो भी अच्छा यहाँ पे खेलना चाहा, बट पिच ऐसा था कि किसी का साथ नहीं दिया। ऑस्ट्रेलियन बॉलर और ऑस्ट्रेलियन कैप्टन यहाँ पे समझ चुका था कि पिच ऐसा पिच है जो कि थोड़ा ऑस्ट्रेलियन टाइप का पिच था, बाउंसी पिच है और थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट पिच पिच है, तो उन लोगों ने मतलब उन लोगों को तो भाई यहाँ पे मतलब आ गया कि हाँ चांदी चांदी लग गया कि हाँ आज हम लोग यहाँ पे अच्छा खेल पाएंगे, तो वैसा ही यहाँ पे हुआ और इंडियन टीम सेकेंड मैच हार गई। बाकी यहाँ पे अगर मैं थर्ड ओडीआई की बात करूँ तो थर्ड मैच में इंडियन टीम जीतेगी और थर्ड मैच में इंडियन टीम बॉलिंग लेगी, पहले ऑस्ट्रेलियन टीम बैटिंग करेगी। आज के मैचेस में मैंने बताया था कि इंडियन टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी और ऑस्ट्रेलिया सेकंड यहाँ पे बैटिंग करेगा, तो सेम टू सेम वैसा हुआ। थर्ड मैच में इंडियन टीम बॉलिंग करेगी फर्स्ट और ऑस्ट्रेलियन टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी और इंडियन टीम चेज करके थर्ड मैच जीतेगी, जो जीतेगा जो चेन्नई में होने वाला है। तो इंडियन टीम हार गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे केएल राहुल ने अच्छा यहाँ पे इंटेंट दिखाया था, बट कोई बात नहीं। बट हमारे बॉलरों को भी बोलूंगा कि भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, एक मैच आप जीतते हो एक मैच हारे हो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे भाई सीरीज ऑलरेडी यहाँ पे गावस्कर सीरीज जीत गए, ओडिया सीरीज में हम लोग यहाँ पे जीत जाएंगे। बट यहाँ पे जो मेन गलती होगी रोहित शर्मा से कि वो मतलब प्लेयर को होल्ड करवा के नहीं खेलवा पाए, जब जानते हैं कि प्लेयर मतलब ऐसा पेस पिच है तो उसको प्लेयर को पहले थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना के भेजना चाहिए था, बट अब लक की बात है यहाँ पे इंडियन टीम हार गया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारी टीम है, हम इसको सपोर्ट करेंगे, भले ये सीरीज भी अगर हम लोग हार जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ऐसा होगा नहीं, इंडियन टीम 2-1 से सीरीज जीतेगी और इस साल का वर्ल्ड कप भी इंडियन टीम जीतेगी, ये मेरा जवान है।